India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट के कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूक्रेन में भारतीयों को वापस लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के प्रयासों की सराहना, कहा हेल्पलाइन बनाने पर भी हो विचार। पंजाब के पूर्व डीजीपी सैनी के मामले में सीबीआई को सौंपे जाएंगे या नहीं, पंजाब हाईकोर्ट करेगा तय, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। लखीमपुर खीरी कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की बेल याचिका रद्द करने वाली याचिका स्वीकार, 11 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिशा सालियान केस में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे को राहत, 10 मार्च तक गिरफ्तारी से रोक, मुंबई के निर्दोषी कोर्ट का फैसला। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। शुरुआत करते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमित सिंह सैनी की याचिका पर 2 सप्ताह के भीतर फैसला करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सैनी के खिलाफ लंबित सभी आपराधिक मामले सीबीआई को स्थानांतरित करने हैं या नहीं, इस पर हाईकोर्ट फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि या तो मामले की खुद सुनवाई करें या फिर इसे किसी अन्य बेंच को सौंपे। सुमित सिंह सैनी ने याचिका दायर कर मांग की थी कि उनके सभी केसों को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया जाए। इससे पहले हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमित सिंह को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जांच और गिरफ्तारी की रोक को 20 अप्रैल 2022 तक बढ़ा दिया। हाईकोर्ट ने यह आदेश भी दिए हैं कि अगर वह विदेश जाना चाहें तो उन्हें इसके लिए कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमित सिंह सैनी को उनके खिलाफ लंबित या भविष्य में उनके खिलाफ दर्ज होने की संभावना वाले मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण देने के आदेश पर आश्चर्य व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमित सिंह सैनी की याचिका पर 2 सप्ताह के भीतर फैसला करने को कहा है। सीजेआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यह आदेश अभूतपूर्व था और ये जानने की कोशिश की गई कि भविष्य के मामलों के लिए सुरक्षा कैसे दी जा सकती है जो पंजीकृत भी नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सैनी के खिलाफ लंबित सभी आपराधिक मामले सीबीआई को स्थानांतरित करने हैं या नहीं, इस पर हाईकोर्ट फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि या तो मामले की सुनवाई खुद करे या फिर इसे किसी अन्य बेंच को सौंपे। न्यायालय ने यहां तक कहा कि वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मामले को किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपने का अनुरोध करेगा, न कि अंतरिम आदेश पारित करने वाले को। सुमित सिंह सैनी ने याचिका दायर कर मांग की थी कि उनके सभी केसों को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया जाए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमित सिंह सैनी को राहत दी थी। कोर्ट ने पूर्व डीजीपी के खिलाफ लंबित या दर्ज होने की संभावना वाले सभी मामलों में गिरफ्तारी पर रोक को 20 अप्रैल तक बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान की पीठ ने कहा है कि 10 सितंबर 2021 का अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सैनी को फरवरी 2022 तक किसी भी अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी थी, जहां उनके खिलाफ कोई मुकदमा लंबित है, लेकिन उन्हें पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया था। यह आदेश सैनी द्वारा 2018 में दायर एक याचिका पर पारित किए गए थे।
जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज किसी भी मामले की जांच सीबीआई या पंजाब के बाहर किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को न केवल उसके खिलाफ सभी मामलों में जांच पर बल्कि सभी पंजीकृत या दर्ज होने की संभावना वाले मामलों में आगामी फरवरी माह में चुनाव संपन्न होने तक गिरफ्तारी पर भी स्पष्ट रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के मद्देनजर गिरफ्तारी राजनीतिक चाल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। बीजेपी सरकार में मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे के खिलाफ शीर्ष कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करेगा। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मिली जमानत के खिलाफ पीड़ितों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि वह आशीष मिश्र की जमानत निरस्त करें। आरोपी आशीष मिश्र को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीते दिनों जमानत दी थी। जमानत मंजूर होने के बाद ही मृत किसानों के परिजनों ने फैसले का विरोध किया था और इस आदेश को चुनौती देने की बात कही थी। बीते 3 अक्टूबर को लखीमपुर में 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर भाजपा नेताओं के काफिले की एक कार चढ़ गई थी और इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र का नाम आया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में हुई हिंसा मामले में एसआईटी ने 3 महीने के अंदर सीजीएम अदालत में 3 जनवरी को 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बनाते हुए 13 आरोपियों को मुलजिम बताया था। इन सभी के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत हत्या, हत्या का प्रयास, अंग भंग की धाराओं समेत आम सेक्ट के तहत कार्रवाई की थी। 10 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए आशीष मिश्र मोनू की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर करी थी। 14 फरवरी को हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए जमानत आदेश में हत्या और साजिश की धाराएं जोड़ने का आदेश दिया। फिर सुनवाई के बाद जेल प्रशासन ने आशीष मिश्र मोनू को रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन पर दे किराया और बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 की धारा 21(1)(a) के तहत सद्भावनापूर्ण आवश्यकता के आधार पर बेदखली की मांग करने के लिए किसी मकान मालिक को बेरोजगार होने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस यूजू ललित और जस्टिस एस रविन्द्र भट्ट की पीठ ने कहा कि ये प्रावधान केवल इतना है कि मकान मालिक द्वारा अनुरोध की गई आवश्यकता सद्भावनापूर्ण होनी चाहिए। दरअसल मकान मालिक ने किराएदार के कब्जे वाले परिसर को छोड़ने की मांग करते हुए एक आवेदन को प्राथमिकता दी और दावा किया कि उसके बेटे के लिए व्यवसाय शुरू करने के लिए उसकी आवश्यकता है। निर्धारित प्राधिकारी ने उक्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय प्राधिकारी ने अपील की कि अनुमति दी और किराएदार को बेदखल करने का आदेश दिया। किराएदार ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका दायर कर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने याचिका को इस निष्कर्ष के साथ स्वीकार किया कि मकान मालिक का बेटा जिसके लाभ के लिए बेदखली की मांग की गई थी कि आयकर के लिए मूल्यांकन किया गया था और उसके प्रतिवर्ष 1,14,508 रुपये आय थी, इसलिए वह बेरोजगार व्यक्ति नहीं था। इस प्रकार हाईकोर्ट ने पाया कि अधिनियम की धारा 21(1)(a) के तहत एक आवेदन को सुनवाई योग्य होने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था। कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सद्भावनापूर्ण आवश्यकता के आधार पर परिसर को खाली कराने की मांग करने वाले उक्त प्रावधान के लिए मकान मालिक को कार्रवाई को जारी रखने के लिए बेरोजगार होने की सख्त आवश्यकता नहीं है। प्रावधान केवल यही है कि मकान मालिक द्वारा अनुरोध की गई आवश्यकता सद्भावनापूर्ण होनी चाहिए। रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्य ये दर्शाते हैं कि अपीलकर्ता को एक घटना का सामना करना पड़ा था और वह वास्तव में चाहता था कि उसका बेटा व्यवसाय में शामिल हो जाए। हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए पीठ ने अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को बहाल कर दिया। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अपीलीय प्राधिकरण द्वारा की गई तथ्य की खोज से छेड़छाड़ करने में उचित नहीं था। उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम 1972 धारा 21(1)(a) सद्भावनापूर्ण आवश्यकता के आधार पर कार्रवाई को बनाए रखने के लिए मकान मालिक को बेरोजगार होने की सख्त आवश्यकता नहीं है। प्रावधान में केवल इतना ही विचार किया गया है कि मकान मालिक द्वारा इस प्रकार अनुरोध की गई आवश्यकता सद्भावनापूर्ण होनी चाहिए।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय या केएसएलयू को 3 वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा याचिका खारिज की जाती है, कोई राहत नहीं, वह कानून के छात्र हैं और भविष्य में वकील और न्यायाधीश बनना चाहते हैं। जस्टिस एस जी पंडित और जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 14 दिसंबर 2021 को एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को रद्द कर दिया था। इस आदेश में अदालत ने केएसएलयू द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया था। इस अधिसूचना में 3 वर्षीय एलएलबी कोर्स के दूसरे और चौथे सेमेस्टर के छात्रों के लिए ऑफलाइन एग्जाम कराने थे। हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को वेब होस्टिंग की तारीख से 10 दिनों के भीतर 10 जून 2021 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 10 जून 2021 और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सुझाए गए परीक्षा के तरीके का निर्धारण करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि प्रतिवादी यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्देश के अनुसार 3 साल के एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा मूल्यांकन की प्रक्रिया को तुरंत पूरा करने के लिए कदम उठाने के लिए यूनिवर्सिटी ये सुनिश्चित करेगी कि समय अंतराल परीक्षा मूल्यांकन के संचालन के लिए नियमों द्वारा निर्धारित यदि कोई हो। जस्टिस हेमंत चंदन गौदर की एकल पीठ ने 14 दिसंबर 2021 को अपने आदेश में निर्देश दिया कि छात्रों को अगले सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाए। विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए काउंसिल ने कहा कि मुद्दा ये है कि क्या छात्र एग्जाम के एक विशेष तरीके पर जोर दे सकते हैं। विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए परीक्षा के काम से कम 6 तरीके हैं। केवल अंतिम शर्तों के लिए लिखित परीक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। केएसएलयू ऑफलाइन एग्जाम के दूसरे और चौथे सेमेस्टर के लिए जोर दे रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की सुप्रीम कोर्ट ने सराहना की है। कोर्ट ने अपनी तरफ से सुझाव देते हुए कहा कि सरकार छात्रों और अभिभावकों के लिए हेल्पलाइन बनाने पर भी विचार करे। कोर्ट ने मामले में याचिका दाखिल करने वाले वकील विशाल तिवारी को फटकार लगाते हुए कहा कि उनका मकसद सिर्फ संकट से उपजे हालात में चर्चा हासिल करना है। कोर्ट ने वकील से कहा कि ऐसी याचिकाओं के लिए उन पर पहले भी हर्जाना लग चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में इस समय उन भारतीयों की स्थिति काफी मुश्किल है जो युद्ध क्षेत्र में फंस गए हैं। भारत में तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आज इस मामले की अहम सुनवाई हुई थी। यूक्रेन में फंसे छात्रों को देश वापस लाने के मामले पर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता के वकील विशाल तिवारी को फटकार लगाते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि अखबारों की कटिंग को लेकर पीआईएल दाखिल की गई है। ये तरीका नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। ये आपकी इस हरकत पर हम जुर्माना भी लगा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि याचिका दाखिल करने वाली छात्रा यूक्रेन से रोमानिया पहुंच चुकी है, आज उसे वापस भारत लाया जा सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि युद्ध प्रभावित यूक्रेन में पड़ोसी देशों की सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर छात्र फंसे हैं, उनकी व्यवस्था की जाए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम परिस्थितियों को लेकर चिंतित हैं। अटॉर्नी जनरल ने भी आश्वासन देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री लगातार इस मसले पर मीटिंग कर रहे हैं। मंत्रियों को युद्धग्रस्त यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है। अब तक यूक्रेन में पढ़ाई या काम करने वाले 17,000 छात्रों और अन्य नागरिकों को हम स्वदेश वापस ला चुके हैं। सीजीआई ने कहा कि हम आपके द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम तो सराहना करते हैं, लेकिन याचिका को लंबित रख रहे हैं क्योंकि हम इस पर आगे भी बढ़ना चाहते हैं। अगले शुक्रवार को फिर इस मामले पर सुनवाई करेंगे। इस बीच सभी हाई कोर्ट को बताया जाए कि वो ऐसे मामलों में सुनवाई ना करें क्योंकि हम सुन रहे हैं। वैसे इस सब के अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑनलाइन हेल्पलाइन शुरू करने को कहा कि ताकि राज्य सरकारें और प्रभावित लोग जानकारी पा सकें। इस पर याचिकाकर्ता के वकील एएम धर ने भी कहा कि सरकार ने तेजी से कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे अपनी बात बढ़ाते हुए कहा कि छात्रों के माता पिता की परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार सेंट्रलाइज हेल्पलाइन पोर्टल बनाए और पीड़ितों से जानकारी साझा करे। सीजीआई ने टिप्पणी की कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा है, जहां मानव जाति लड़ रही है और लोगों को मार रही है, और हम जानते हैं कि बातचीत से विवाद को सुलझाया जा सकता है। दुर्भाग्य से इन मुद्दों में हमारी कोई भूमिका नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।
आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर पुणे के बूंद गार्डन पुलिस थाने में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। शुक्ला ने अधिवक्ता समीर नांगरे के माध्यम से याचिका दायर की थी, जिसे लेकर अब उन्हें कोर्ट से राहत मिली है। अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक प्रतिशोध के साथ मनमाने ढंग से प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसे झूठा फंसाया गया था। पिछले साल महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया था कि उनका फोन 2016 और 17 के दौरान इस बहाने टैप किया गया था कि यह नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल अमजद खान का है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री रोर साहेब दानवे के निजी सहायक तत्कालीन भाजपा सांसद संजय काकड़े और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के फोन टैप किए गए थे। रश्मि शुक्ला मार्च 2016 और जुलाई 2018 के बीच पुणे सिटी पुलिस कमिश्नर थी, जब उन पर फोन टैप करने का आरोप लगाया गया था। वे वर्तमान में हैदराबाद के सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात हैं। महाराष्ट्र में मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे को गिरफ्तारी से 10 मार्च तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा साल्यान के मामले में गिरफ्तारी के डर से नारायण राणे और उनके पुत्र नितेश ने अपने वकील सतीश मान शिंदे के माध्यम से उपनगरीय मडाल में डिंडोशी सत्र अदालत में अग्रिम जमानत दायर की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख तक उन्हें गिरफ्तार करने को कहा। इसके बाद मामले की सुनवाई 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच मुंबई पुलिस शनिवार को इस मामले में राणे के बयान को दर्ज कर सकती है। पुलिस ने भाजपा मंत्री और उनके बेटे के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने को कहा। उपनगरीय मालवानी पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने 19 फरवरी को एक संवाददाता सम्मेलन में टिप्पणी की थी। इस दौरान उनका बेटा नितेश राणे भी मौजूद था। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री ने दिशा साल्यान की मौत को लेकर कुछ दावे किए थे। दिशा की मां वसंती साल्यान द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दिशा की मां ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग से मिलकर नारायण राणे और नितेश राणे और अन्य के खिलाफ साल्यान परिवार को बदनाम करने के लिए कार्रवाई की मांग की थी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के उपनगरीय बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में लटके पाए जाने से 6 दिन पहले 8 जून 2020 को उपनगरीय मलाड में एक ऊंची इमारत से कूदकर दिशा साल्यान ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप।